शरारती था शुभम, शरारती तो बच्चे में रहता ही है। तो चूंकि इसको हम क्लास फोर से ही बाहर रहा है, थ्री तक ही यहाँ रहा है, तो थोड़ा बहुत करता ही था। लेकिन जब हॉस्टल में जाने के बाद बिल्कुल शांत हो गया और अपना काम से मतलब रखा। जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा विद्या विहार सेंट्रल स्कूल पूर्णिया से हुई। प्लस टू मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो से किया। ग्रेजुएशन मैंने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। आईएएस में जाने की प्रेरणा मुझे मिली अपने आसपास देख के। जैसे मैंने बताया, मैं क्लास सिक्स में था जब एक आईएएस आए थे चीफ गेस्ट बन के स्कूल में, तो मुझे विद्या विहार सेंट्रल स्कूल में आए थे। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। कल यूपीएससी 2022 के परीक्षा के रिजल्ट जो हैं वो घोषित किए गए, जिसमें हर बार की तरह इस बार भी बिहार के बच्चों ने परचम लहराया है। वहीं पूर्णिया जिले के शुभम कुमार ने 41वें रैंक लाकर बिहार के पूर्णिया जिले का नाम रोशन किया है। विद्या विहार स्कूल से पढ़े पूर्णिया जिले के शुभम कुमार अपने स्कूल का भी नाम रोशन किया है। क्या कुछ शुभम कुमार के पापा कह रहे हैं, क्या कुछ है उनके घर वाले कह रहे हैं, हम आपको उनकी पहले बातों को सुन। राज्य, देश और जिला सबका नाम रोशन किया, आपका नाम रोशन किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा अनुभव कर रहे हैं। अच्छा अनुभव कर रहे हैं। शरारती था शुभम? शरारती तो बच्चे में रहता ही है। तो चूंकि इसको हम क्लास फोर से ही बाहर रहा है, थ्री तक ही यहाँ रहा है, तो थोड़ा बहुत करता ही था। लेकिन जब हॉस्टल में जाने के बाद बिल्कुल शांत हो गया और अपना काम से मतलब रखा, अपने पढ़ाई की ओर। मम्मी को याद आता था बेटा का? बच्चे को किसका नहीं याद आएगा, माता पिता को याद आता है ना, बच्चे जो बाहर जाते हैं। तो आगे अब क्या लगता है कि अब बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी है इनको? जी, क्या आप खुशी महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, साथ है। मिठाई खिलाए बच्चे को? हाँ हाँ, बिल्कुल खिलाए। मिठाई तो बाद की बात है, जो घर में था उससे पहले मुँह मीठा किए, मिठाई तो बाजार जाना पड़ता है। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है शुभम के पापा का, साथ ही साथ शुभम का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से उन्होंने इस परीक्षा की तैयारी की, कैसे उन्होंने मेहनत करके 41वें रैंक लाई है, चलिए आपको हम उनकी बातों को भी सुनवाते हैं। जी, मैं तो काफ़ी खुश महसूस कर रहा हूँ। जो यूपीएससी में जाना चाहते हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि पहले स्ट्रैटजी बनाएं कि आप कैसे इस एग्ज़ाम को टैकल करेंगे। उससे भी पहले आप इस एग्ज़ाम को जानें कि एग्ज़ाम है क्या, आपसे चाहता क्या है। जब एक स्ट्रैटजी बना ले तो उस स्ट्रैटजी को अमल करें, एक दिन भी नहीं छोड़े और हमेशा टाइम पे हर चीज़ पढ़ें। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट से ही पता चलेगा कि आप आपका पोजीशन क्या है, आप ये कम्पीट कर सकते हैं या नहीं। मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने बहुत टेस्ट दिया, प्रीलिम्स का भी 100 से ज़्यादा टेस्ट दिया, मेंस का भी 50 से ज़्यादा, इंटरव्यू भी मैंने 25 दिए, मॉक इंटरव्यू। तो मुझे लगा कि टेस्ट देने से मुझे कॉन्फिडेंस आया और ये गेम पूरा कॉन्फिडेंस का है। तो मैं यही कहूँगा कि आप टेस्ट दीजिए, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, उसे एनालाइज भी करना है, बस ये नहीं कि आप बस टेस्ट देते रहें। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और आपने जब आप ग्रेजुएशन करने के लिए गए, इसके बाद आपको फिर यूपीएससी की तैयारी में क्यों जाना था? जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा विद्या विहार सेंट्रल स्कूल पूर्णिया से हुई। प्लस टू मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो से किया। ग्रेजुएशन मैंने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। आईएएस में जाने की प्रेरणा मुझे मिली अपने आसपास देख के। जैसे मैंने बताया, मैं क्लास सिक्स में था जब एक आईएएस आए थे चीफ गेस्ट बन के स्कूल में, तो मुझे विद्या विहार सेंट्रल स्कूल में आए थे, तो मुझे वही लगा कि मुझे वो चाहिए, मुझे भी उनके तरह बनना है। तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, फिर मैंने अपने आप को देखा कि मुझे क्या है। तो अगर आप बिहार से होते हैं तो आपके पास बहुत कम ऑप्शन है, जैसे आप आईआईटी में जा सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मुझे लगा कि आईआईटी मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कम्पीट कर पाऊँगा, तो इसलिए मैं डीयू चला गया, वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। जब हॉस्टल में रहे, जब पढ़ाई कर रहे होते थे, तो फिर मम्मी पापा का याद आता था, फिर उस चीज़ों को कैसे आप रोकते थे और फिर कैसे पढ़ाई पर आप ध्यान केंद्रित करते थे? अगर मैं यूपीएससी का बात करूं तो ध्यान तो आता था, बट मुझे था कि अगले साल फिर से मुझे यही रिपीट नहीं करना है। अगले साल मुझे एक डर था कि अगर पहली बार में नहीं हुआ तो एक ही चीज़ फिर बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो ये मुझे मोटिवेट भी करता था, ये जो डर था कि अगले साल रिपीट ना करना पड़े। तो बाकी जो भी डिस्ट्रैक्शन थे वो इस डर से चले जाते थे। अच्छा, बड़ी जवाबदेही, बड़ी जिम्मेदारी है,
कैसे निभाएंगे और लोगों को क्या प्रेरणा देंगे और लोगों की समस्याओं को कैसे सुनेंगे, क्योंकि जिस पद पे आप जा रहे हैं कहीं ना कहीं ये बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही वाला पद होगा। जी, मुझे ट्रेनिंग दिया जाएगा, मैं वो ट्रेनिंग का पालन करूँगा, उसके साथ जो मैंने पढ़ा है एथिक्स में एम्पैथी दिखाना, कंपैशन दिखाना, वो फॉलो करूँगा, लोगों की समस्या सुनूँगा, जो भी मुझे मेरा ड्यूटी होगा मैं वो ड्यूटी पूरा करूँगा। चलिए, एक सवाल आखिरी है, जब आप आज की युवा पीढ़ी को पूर्णिया विद्या विहार के शुभम बने यूपीएससी टॉपर, 41वें रैंक लाकर किया है स्कूल का नाम रोशन। पूर्णिया विद्या विहार के वर्ष 2016 में 10वीं के छात्र रहे शुभम कुमार ने 41वें रैंक लाकर यूपीएससी टॉपर बने। शुभम मूल रूप से मधुबनी जिले के खुटौना के रहने वाले हैं, हंसराज कॉलेज दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, वहीं से यूपीएससी की भी वो तैयारी कर रहे थे। जानकारी देते हुए विहार स्कूल के डायरेक्टर राजेश मिश्रा ने बताया कि मधुबनी जिला के खुटौना निवासी दिनेश कुमार के पुत्र शुभम कुमार वर्ष 2016 में पूर्णिया के प्रसिद्ध स्कूल विद्या विहार में 10वीं में फर्स्ट डिवीजन लाए थे। इसके बाद वो हंसराज कॉलेज दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, वहीं से उन्होंने यूपीएससी की भी तैयारी करनी चालू कर दी। उन्होंने कहा है कि कोरोना की लहर में लॉकडाउन की छुट्टी के समय वो शुभम पूर्णिया विद्या विहार में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, साथ ही हमारे द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सहयोगी भी थे, गरीब ज़रूरतमंद के बीच राहत सामग्री सामान भी पहुंचाने का वो काम किया करते थे। वहीं दूसरी बार भी शुभम नाम के छात्र ने फिर से पास किया है यूपीएससी। आपको बताते चले, विद्या विहार के शुभम कुमार नाम के एक छात्र ने 2020 में देश में यूपीएससी एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाया था, वहीं इस बार भी 41वें रैंक लाकर पूर्णिया के विद्या विहार का नाम एक बार फिर से शुभम कुमार ने रोशन किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।